Welcome and welcome back to my channel जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि का का जो fundamentals of computer networks है, इस सब्जेक्ट हम block -wise, chapter -wise, सारे e -Z important की solution को देखेंगे, ठीक है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो बिना स्किप के ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना यहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन और उन सब के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी इस वीडियो में हम आज देखेंगे यूनिट ब्लॉक 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 का का uh, का देखेंगे एक्चुअली यूनिट यूनिट और टू इस वीडियो में देखेंगे ब्लॉक वन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ठीक है तो इस यूनिट वन में एक्चुअली मुझे बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो एग्जाम में आता है जो कि है पैरल कम्युनिकेशन एंड सीरियल कम्युनिकेशन तो आइए देखते हैं कि आपको एक से क्वेश्चन देगा कि डिफरेंट डिफ्रनिएट डिफ्रेंसीट बिटवीन पैरल एंड सीरियल कम्युनिकेशन यूजिंग विद द एग्जाम्पल ठीक है सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट सीरियल बाई में करता है और वन बीट एट अ टाइम एक बार में एक बीट को ही कम्युनिकेट कर पाता है ठीक है बट पैरल में वैसा नहीं है पैरल ऑल बीट्स को एट अ टाइम कन्वर्ट कर सकता है ठीक है सीरियल का लो स्पीड होता है ऑफ कोर्स लो स्पीड है इसलिए वन बाई वन बीट को एट अ टाइम में एक्सप्लेन करता है इसमें बट पैरल में हाई स्पीड होता है ठीक है और फिर सीरियल में देखिए कि इट हैज अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इसके पास सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होता है ठीक है बट पैरल के पास इट हैज़ अ मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन्स

इट इट नॉइज इफेक्टेड विध नॉइज प्रॉब्लम्स ये जो सीरियल है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं अफेक्ट करता है बट ये करता है ठीक है तो इस छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने ले रखा है जो कि एग्ज़ाम में आता है आप लोग के तो अभी तक जब वीडियो पर बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिना चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके मत जाना प्लीज ऐसे है आपको ये आ, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी आप देख सकते हो अब बात करते हैं यूनिट टू में यूनिट टू में हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्प्लीटूड क्या होता है ठीक है एम्पलीटूड एक मॉडलेशन है मॉड्यूलेशन है उसको वो क्या होता है ठीक है ये एक ये जो होता है ना वेब्स वेब्स का ये पार्ट है एम्पलीटूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय वेयर द वेब सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय मॉड्यूलेटिंग एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल ये एक वेव सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ऑफ़ एम्पलीट्यूड सिग्नल में ठीक है इट हैज ऑफन कॉल्ड एम ठीक है इसको एम भी कहते हैं ए फॉर एम्पलीट्यूड एम फॉर मॉड्यूलेशन ठीक है एंड इस कॉमन यूज टू ट्रांसमिटिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द रेडियो कैरियर वेव ठीक है इसका यूज कॉमनली जनरली यूज होता है रेडियो कैरियर वेव में ठीक है आप यहाँ यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो कि ये कैसे बना हुआ है एम्पलीट्यूड का ये रहा बीच में जो है वो एम्बलीटूड का एम्पलीट्यूड का ये पिक्चर है ठीक है एम्पलीट्यूड मोस्टली यूज द तो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये यू, मोस्टली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ठीक है एंगल मॉड्यूलेशन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आपको पूछता है कि एंगल मॉड्यूलेशन क्या है एंगल मॉड्यूलेशन से हमारा मतलब है कि क्लास कैरियर क्लास ऑफ कैरियर ठीक है एंगल इज अ क्लास कैरियर ऑफ मॉड्यूलेशन दैट इज यूज इन ट्रांस टेलीकोम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम ये एक ऐसा मॉडुलेशन है क्लास ऑफ कैरियर का मॉड्यूलेशन है दैट इज यूज टू टेलीकम्युनिकेशन टेलीकोम्युनिकेशन में यही चीज को यूज़ किया जाता है जैसे फोन ऑन वगैरह वगैरह हो गया ठीक है देयर क्लास कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम एंड फेज मॉड्यूलेशन जो कि पीएम एंड इट इज़ बेसिकली अल्टरनेटिंग द फ्रिक्वेंसी एंड फेज रिस्पेक्टली ऑफ गेयर सिग्नल टू इन कोड ऑफ मैसेज सिग्नल ठीक है ये एक दो हमारा क्लासेज हो जाता है ये एंगल मॉड्यूलेशन का फ्रिक्वेंसी और फेस मॉड्यूलेशन जिसको एफ एम और पी एम कहते हैं उसका अल्टरनेटिंग फ्रिक्वेंसी फ्रेज और रिस्पेक्टिवली uh, फुली होता है जो कि कैरियर सिग्नल को इनकोड करता है मैसेज सिग्नल जैसे चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए यह हमारा एग्जांपल है आप एग्जांपल देख कहो या आ, पिक्चर को आपको समझने के लिए मैंने दे रखा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रिक्वेंसी मेडुलेशन ठीक है नेक्स्ट हमारे रिलेशन है जो कि ये भी, भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने जो भी ये वीडियो में कवर कराया मैं आगे के वीडियो इसमें लाऊंगी पूरे फोर ब्लॉक है उनको कंप्लीट करने के लिए उसमें से कोई भी वीडियो मिस मत करना अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देना चाहते हो ये मैं बी सी एस फोर्टी वन का फुल आ, कोर्स कराने वाली हूँ ठीक है जो कि बहुत ईजी है करवाना और आप लोग को करना ठीक है इसमें क्या कहता है कि ये एक इनकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है इन कैरियर वेब में ठीक है ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन है कि कैरियर वेब को बैरिंग एंड इंस्टेंशन फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूल करता है वेब करता है ठीक है इट्स टेक्नोलॉजी यूज टू टेली कम्युनिकेशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स और भी जैसी चीजों को ये यूज करता है ठीक है कंप्यूट करता है एन एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल सच एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑडियो सिग्नल रिप्रेजेंटिंग वॉइस और म्यूजिक एक वॉइस और म्यूजिक को फ्रिक्वेंस करता है कि कितना साउंड हाई पे गया लो पे गया कितना को किस तरीके से मेंटेन करना होता है ऐसा जो आप लोग म्यूजिक रिकॉर्ड होते हुए देखोगे हो तो ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा फ्रेज मॉड्यूलेशन ठीक है फ्रेज मॉड्यूलेशन में क्या कहता है कि फ्रेज मॉड्यूलेशन इज़ अ मॉड्यूलेशन पैटर्न ऑफ द कंडीशनरिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ये हमारा जो है ये बताता है कि आप कि एक पैटर्न होता है ये एक जो कि कंडीशनरिंग कम्युनिकेशन को सिग्नल करता है ट्रांसमिशन के लिए ठीक है इसका पार्ट कुछ इस तरीके से आप देख लेना एग्जाम फोटोज ऑफ ऑफ वन द टू प्रिंसिपल फॉर्म एंगल मॉड्युलड्यूलेशन ठीक है ये पार्ट है जैसे कि एंगल मॉड्युलेशन का दो पार्ट था और एंगल मॉड्युलेशन तो ये पार्ट है चीज का ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन है आपसे पूछता है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इसके बीच का कंपैरिजन भी आपसे पूछा जाएगा ठीक है एंड इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए एस के पी एस के एंड एफ एस के ठीक है एक डिजिटल मेडुलेशन का टेक्नोलॉजी है जिसको क्लियर uh, करना है ठीक है पहले देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन होता क्या है ठीक है द मेन डिफरेंस बिटवीन एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन इज द मैनर ऑफ दे दैट दे ट्रांसमिट डेटा जो जो डेटा एक तरह से ट्रांसमिट डेटा है के के जरूरत में एनालॉग फॉर्मेट जबकि आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन को नीट आ, होता है डेटा का ठीक है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनालॉग मॉड्यूलेशन का है जो इनपुट इन कंडीशन ऑफ सिग्नल ठीक है न, एक, आ, दो, दो दो, दो पॉइंट्स मैंने ले रखा है तो फिर दूसरा में कहता है कि यूज इन फर्स्ट जनरेशन मोबाइल रेडियो सिस्टम सच एज एम पी एस इन यूएसए इसको यूएसए में मोबाइल जनरेशन जब शुरू हुआ था तब के यूज में इसको लाया गया था डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या है जो आजकल के युग में शुरू हुआ दे इनपुट एज अ टाइम सिक्वेंस ऑफ सिम्बॉल और अ पल्स और सेकेंड पॉइंट में कहता है कि आज यूज इन करेंट एंड फ्यूचर मोबाइल रेडियो सिस्टम डिजिटल का मतलब ही हो गया डिजिटल मतलब आधुनिक जैसा कुछ तो ये चीज जो अभी यूज हो रहा है जो चल रहा है उसको डिजिटल जो भी हमारे रेडियो सिस्टम या मोबाइल सिस्टम में है, यूज होता है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन होते हैं ठीक है थीके? अब इसी में क्वेश्चन था कि ए एस के पी एस के एफ एस के क्या होता है तो उसको आइए देखते चलते क्या है मैंने एक कंपेरिजन अटेंड किया है कि पैरामीटर एज अ पैरामीटर इन सबके बीच क्या डिफरेंस है एक क्यू ए क्यू एम भी होता है जो कि मैंने आप लोग को एग्जाम में आए तो आप लोग लिख लेना वरना इसको कट कर सकते हो ठीक है स्किप भी कर सकते हो तो इन दोनों के इन तीनों के बीच क्या है ठीक है कॉन्स्ट्रेक्ट इन पैरामीटर्स को यूज किया जाए तो ये फ्रिक्वेंसी एंड फेज ऑफ कैरियर यूज करता है ठीक है बट वही एफ एस के यूज करता है एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ कैरियर ठीक है पी के भी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियज को यूज करता है ठीक है बीट वाइज में देखते हैं अगर हम तो ए एस के जो है वो लो है बट वहीं एफ एस के हाई है भी लो है ठीक है नॉइज में देखा जाए तो ए एस के का नॉइज uh, जो है वो बहुत हाई होता है बट इन दोनों में जो है नॉइज वो लो होता है ठीक है एस दैट रेडियो में देखा जाए तो ये लो होते हैं और बाकी ये दोनों जो होते हैं वो हाई होते हैं डेटा रेट में लेस होता है ये दोनों ई एस के और एफ एस के लो होता है आई मीन लेस होता है एंड पी एस के जो होता है वो हाई रेट का होता है ठीक है तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन है ये यूनिट टू का ही क्वेश्चन चल रहा है ठीक है नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि यूनिट थ्री uh, का जो यूनिट थ्री और फोर देखेंगे ठीक है अगर उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ तो यूनिट टू थ्री का ही कंटिन्यू uh, करेंगे थ्री और फोर्थ एक साथ इसमें पूछता है डिफाइन द एनालॉग मॉड्यूलेशन व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड द लिमिटेशन ऑफ एनालॉग एनालॉग ठीक है सिस्टम क्या होता है मैंने ऊपर uh, बता रखा तो है ठीक है तो देखते हैं टाइप्स को टाइप्स इसके जैसे कि मैंने बताया कि इसके टाइप्स दो होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फ्रीज मॉड्यूलेशन ठीक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है इट इज डिफाइंड टू प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर एंड सिग्नल वेडिलाइज वेरीज एंड एनली इट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी और फ्रेज मॉड्यूलेशन भी मैंने ऊपर आपको बता रखा है ठीक है मैंने क्वेश्चन का पैटर्न दे रखा है कि इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं एट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंपेयर एंड कंड बिट्वीन एम्पीट्यूड फ्रेज मॉडुलेशन टेक्नोलॉजी ठीक है इन दोनों के बीच का जो बताता कहता है कि कंपेयर uh, करना है एंड डिस्कस करना है बाद में कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं तो मैंने ऐसा कुछ किया है कि आपके लिमिटेशन्स भी यहाँ निकल के आ जाएंगे ठीक है ए एम एफ एम और पी एम तीनों के मैंने यहाँ दे निकाल के रखा हुआ है आप लोग देख लेना ठीक है फंक्शन क्या कहते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम में फंक्शन का डिफिनेशन दे देना है ठीक है ना पैरामीटर्स को पूछता है तो आप कैरियर वेव से बता सकते हो कि ए एम फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव यूज़ करता है कॉन्स्टेंटली ये एफ एम एप्लीट्यूड यूज़ करता है एंड पी एम भी एप्लीट्यूड करता है यूज करता है अब आपसे इसमें पूछेगा कि टाइप्स वगैरह तो आप टाइप्स को भी कंटेन कर सकते हो विच इज़ एम टाइप्स इंक्लूडिंग डी एस बी एस 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 बी बी एस बी टी रेफर टू डी सी बी एन एस सी इस तरीके से है तो आप लोग इस चीज़ को स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आसानी हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि what इज द प्रॉब्लम विद पी एस की एक्सप्लेन विद द what आर the पी एस एंड एट क्यू पी एस के तो सिंपली प्रॉब्लम विट्स वॉटवानजिंग होगा उसका ठीक है तो इसको मैंने दे रखा है कि इट इट नॉट अ टाइप ऑफ नॉन करियंस रिफरेंस सिग्नल्स, ठीक है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एलगोरिद इन डिकोडिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसमेट ड्यूरिंग एफ एस के सॉरी पी एस के ठीक है एक ऐसा रिफरेंस ये कोई ऐसा नॉन कॉनहेंट रिफरेंस सिग्नल नहीं है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एल्गोरिदम को यूज करने में रिकॉर्डिंग करने में विद द हेल्प ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन ठीक है दे आर दे आर एट द टाइम आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड टू फ्रेज डिफरेंट ठीक है ये बहुत ही टाइम सिक्वेंसली होते हैं एक्सट्रीमली एंडसेंसीटिव टू होते हैं फिर फेज से डिफरेंस होते हैं इट्स कैन समाइम्स जनरेट टू रॉन्ग मॉड्यूशन है ऑल्सो ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि आ, कुछ मॉड्यूलेशन को रॉन्ग भी प्रूव करते हैं आई मीन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये यूज़ होता है और ये इसके ये आ, साथ ये प्रॉब्लम होती हैं एंड फोर पी के क्या है और एट पी के क्या है आप देख सकते हैं ठीक है क्यू पी एस के का मतलब होता है क्वेडेचर फेज शिफ्ट किंग इट इज़ यूज फॉर फोर डिस्टिंग phase शिफ्टिंग ठीक है इन कोड इन डेटा बट इन एट पी एस के और जो है हमारा उसको यूज होता है इसका मतलब होता है एट फ्रेज शिफ्टिंग किंग ठीक है एक्चुअली इसका मतलब होता है जो भी हमारा जो क्यू पी एस के जो है वो पार्ट होता है उसका फोर और एट पी एस के सो so, तो मैंने इसकी डिग्री से इसको एक्सप्लेन किया है तो आप लोग देख लेना आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो